वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ चार अक्षर के शब्द के ऊपर कुछ और ज़्यादा वर्कशीट्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने इन्हीं चार अक्षर के ऊपर वर्कशीट बनाई थी और बच्चों को पढ़ना कैसा है, लिखना कैसे है इन वर्कशीट के थ्रू बताया था। तो वो जो वर्कशीट उस वाली वीडियो में बनाई थी वो पार्ट वन था, तो मैंने थोड़ी सी वर्कशीट और बनाई है, ये पार्ट टू है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो में फर्स्ट वर्कशीट जो है हमारी चार अक्षर के शब्द के ऊपर वो है चित्र पहचान कर रिक्त स्थान भरो। इसमें मैंने कुछ चित्र बनाए हैं और इसमें जो अक्षर हैं वो थोड़े से बीच बीच में मैंने कुछ व्यंजन जो हैं वो मिसिंग करे हैं, जिससे कि बच्चा खुद पिक्चर को देखेगा और अक्षरों को, शब्दों को पूरा करेगा। ओके, जैसे ये पिक्चर देखेगा बच्चा बताएगा बरगद, तो ये क्या है, ब र ग इसमें मिसिंग है, तो इसमें बच्चा ग को फिल करेगा। इसी तरह से ये पिक्चर क्या है, हलधर, हलधर में ह और ल मिसिंग है इसमें, धर, हलधर, तो ल इसमें बच्चा लिखेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से खटमल, ख ट म ल, खटमल, पनघट। ओके, और लास्ट है शलगम। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आप भी इस तरह से इजी सी सिंपल वर्कशीट बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे पिक्चर रीडिंग देखकर चार अक्षर के शब्द बनाना सीखेंगे। इसमें बहुत अच्छी वर्कशीट है। सेकंड वर्कशीट जो है मैंने बनाई है, वर्णों का क्रम सही करके शब्द बनाओ। इसमें मैंने जैसे चार अक्षर के शब्द तो लिखे हैं, पर उसमें जो व्यंजन हैं वो आगे पीछे करके लिख दिए हैं। बच्चा अपना इसमें थोड़ा सा माइंड लगाएगा, तो टाइम टेकिंग वर्कशीट है। इसमें थोड़ा सा बच्चा सोचेगा और समझ के लिखेगा वर्ड्स कि किस तरह से। इसमें जब आपके सारे अक्षर हो जाएं, चार अक्षर के शब्द बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएं फ्रेंड्स, तब आप ये वाली वर्कशीट बनाइए, जिससे कि बच्चों को जब सारे अक्षर आते होंगे तो वो ये वाली वर्कशीट को अच्छे से करने की कोशिश करेगा। जैसे ये लिखा है मैंने, प उ न व, इन चार व्यंजनों से मिलकर एक शब्द बनाएगा बच्चा, उ प व न। ये जैसा कि मैंने वर्ड लास्ट वाली अपनी वर्कशीट में कुछ बता चुकी हूँ, जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी ये वर्ड बताया हुआ है, उपवन, तो उपवन बन गया इससे। अब ये क्या है, क द म ल, तो क्या बनेगा, द म क ल, दमकल। तो ये चार अक्षर का शब्द बन गया। इस तरह से ज अ ग र, ये लिखा है तो बच्चा पहले सोचेगा अ ज ग र, अजगर। ओके, तो ये अजगर बन गया। इसी तरह से क स र त, इसमें बच्चे ने सोचा, मेरे को तो याद है, पर बच्चा जो होगा वो थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा टाइम लेगा और इसको करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से ख ट म ल, कुछ नहीं किया है, बस मैंने व्यंजनों को आगे पीछे लिखा है और बच्चे ने सोच के इसमें से लिखना है कि किस तरह से वो करेगा। अब फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है रिक्त स्थान भरो। अब मैंने यहाँ पर डैश लगाया है, जैसे पर मत चढ़, और यहाँ पे चार अक्षर के दो अक्षर लिख दिए, उपवन और बरगद। किस पर मत चढ़, बरगद पर मत चढ़ या उपवन पर मत चढ़, बरगद पर मत चढ़। ओके, बच्चा अपने आप सोचेगा और यहाँ लिखेगा बरगद पर मत चढ़। इस तरह से अकबर, चख, शरबत या सर्कस, शरबत, शरबत को चखेगा अकबर, अकबर शरबत चक। इसी तरह से डैश पन पहन कर चल, क्या पहन कर चल, अचकन पहन कर चल, दो अक्षर लिखे हैं ना मैंने यहाँ पे, अचकन और अदरक, तो इन दोनों में से बच्चा चूज़ करेगा, अचकन आ गया यहाँ पे, ठीक है। चल डैश कर, सर्कस या कसरत, कसरत, चल कसरत कर। बहुत अच्छी वर्कशीट है फ्रेंड्स, जब बच्चों को चार अक्षर के चार अक्षर के ऊपर आपको वर्कशीट बनानी, तो आप इस तरह की वर्कशीट ज़रूर बनाइए। इन सारी वर्कशीट के थ्रू बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं फ्रेंड्स, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी बच्चों को एग्ज़ाम लेवल के ऊपर भी और डेली प्रैक्टिस में भी। ओके,
तो डैश जल मतलब पनघट या झमझम, पनघट चल। तो यहाँ बच्चा क्या लिखेगा, पनघट चल। इसी तरह से डैश उधर रख, टमटम उधर रख या तरकश उधर रख, तरकश उधर रख। ओके, तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हमारी बारी आती है लास्ट और आज की लास्ट वर्कशीट की। ये बहुत ही अच्छी है ये वाली वर्कशीट, बच्चों को ये भी इंटरेस्टिंग वे में बच्चा बहुत अच्छे से करता है ये वर्कशीट फ्रेंड्स। ये भी आप ज़रूर कराइए बच्चों को, जब बच्चों को लिखने का मन ना करे कुछ भी तो बच्चों को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये ड्राइंग से रिलेटेड वर्कशीट है और चार अक्षर के शब्द की ही है ये। जैसे इसमें लिखा है, दिए गए चित्र को पूरा करके रंग भरिए तथा उसका नाम लिखिए। तो ये जो चित्र बनाया हुआ है बच्चा देखेगा इसमें, जैसे मैंने और भी वर्कशीट बताई थी चित्र में देख कर बच्चा वर्ड लिख रहा है, तो इसमें भी मैंने एक चित्र बना दिया, बड़ा बना दिया है थोड़ा। तो क्या पिक्चर बनी है आप बच्चे से पूछिए, तो ये क्या बताएगा, वो शलगम। और यहाँ लिखेगा पहले शलगम और उसके बाद इसमें कलर करेगा। तो कलर करना तो वैसे ही बच्चों को अच्छा लगता है, आप बच्चों को जल्दी से कलर करवाइए इसमें, बच्चा जैसा भी करे। इसमें उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है कलर करने की, इस तरह से शलगम बन रही है। ओके, ऐसे फ्रेंड्स। और थोड़ा सा पिंक कलर भी कर दीजिए इसमें। ऐसे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे पिंक कलर हो रहा है इसमें। कलर करना तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप कलर करवा सकते हैं। कलर हो गया ये, और यहाँ पर इसकी लीफ में यहाँ पर कौन सा कलर करेंगे हम, ग्रीन कलर। तो यहाँ पर ग्रीन कलर कर देगा बच्चा इस तरह से। ये वर्कशीट करने के बाद बहुत सुंदर लगेगी, देखो अच्छी लग रही है ना ये वर्कशीट। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने आज की वीडियो में कितनी वर्कशीट बताई, चार वर्कशीट बताई, जो बहुत ही अच्छी और आसान है। आप भी बच्चों को डेली प्रैक्टिस में फ्रेंड्स करवा सकते हैं। और थोड़ा सा ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको या हेल्पफुल लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में अगर छोटे बच्चे हैं फ्रेंड्स तो उन्हें शेयर ज़रूर करें मेरा वीडियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।